हमारे जो घुटने के अंदर है ना ये हड्डी है और हड्डी के ऊपर ही कार्टिलेज की कवरिंग है जो कि अच्छी होती है जब यंग होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है ये कार्टिलेज है ना घिस रहा है, देख रहे हैं हम घिस रहा है, ये मोटा कार्टिलेज होता है ये यहाँ से घिस गया, थोड़ा दिनों बाद थोड़ा और घिस गया। ये क्यों घिस जाता है? क्योंकि उम्र के साथ साथ ये ऐसे घिसा है। अब ये आपका कार्टिलेज घिस गया है जिसकी वजह से हमें दर्द हो रहा है। अगर ये पूरा घिस जाए मैम तब तो फिर रिप्लेसमेंट ही ऑप्शन, तो पूरा घिस जाए तो फिर हमें इसे रिप्लेस करना पड़ता है। अच्छा इम्प्लांट आते हैं आजकल, तो उससे क्या होता है कि बहुत लॉन्ग टर्म इम्प्लांट्स चलते हैं, पर ये 20 से 25 साल चलती है, दोबारा सर्जरी करनी पड़ती है। तो अगर किसी की 60 से कम है तो अगर नी रिप्लेसमेंट किया जाए तो दोबारा कराना पड़ेगा। सो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम 10 साल बिना दर्द के आराम से ज़िंदगी निकालें ताकि हमें पेन किलर खाने नहीं पड़े, पेन किलर खाएंगे तो किडनी ख़राब होगी। सो क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे हम पेन भी कम कर लें और रिप्लेसमेंट भी ना आए, और रिप्लेसमेंट आए भी तो 10 साल बाद आए भी ना आए? तो वो जो सबसे बेटर काम करता है वो काम करता है PRP या ACP, ऑटोलोगस कंडीशन प्लाज्मा। ब्लड से आपके हम बनाएंगे उसमें प्लेटलेट प्लाज्मा अलग निकाल लेंगे, ये प्लेटलेट प्लाज्मा आ गया। अब जब इसको हम नी में इंजेक्ट करते हैं तो प्लेटलेट आके नी के सिनोवियल मेम्ब्रेन से चिपक जाते हैं और शेप चेंज करके अपने ग्रोथ फैक्टर निकालते हैं। अभी जो ग्रोथ फैक्टर हैं ये सब ये कई सारी काम करते हैं। क्या काम करते हैं? जो प्रोटीन दर्द कर रहे हैं उसको कम कर दिया, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोटीन जो हीलिंग के प्रोटीन से उनको बढ़ा दिया, प्लेटलेट का यही काम होता है। हाइलुरोनिक एसिड का इंक्रीज प्रोडक्शन आता है तो कार्टिलेज बेटर हो जाता है, कार्टिलेज HA का बना रहता है। कोलेजन का प्रोडक्शन कार्टिलेज कोलेजन में हो तो कोलेजन इंक्रीज होता है, HA इंक्रीज होता है, और लुब्रिकेशन प्रोटीन, ये तीन चीज़ें जो कार्टिलेज के पार्ट हैं वो तीनों इंक्रीज होते हैं क्योंकि PRP इंक्रीज करेगी। इससे क्या होता है जो फ्रिक्शन है जॉइंट का वो कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम होगा तो हमें पेन रिलीफ मिलेगा। अब ये जेल इंजेक्शन से मच बेटर है, खुद की बॉडी का पार्ट है और ये कार्टिलेज रीजनरेट करता है। ये तीन बार लगाना पड़ता है, पहले दिन 7th डे और 15th डे, ये 3-4 साल चलेगा, ये आप 4-5 साल बाद दोबारा लगवा लीजिए। तीन तो दो बार लगेंगे तो हम 10 साल निकाल, जेल का इंजेक्शन हर साल लगाना पड़ता है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, अगर हमने इंजेक्शन लगाया कोई एक्सरसाइज नहीं की तो इतना काम नहीं करेगा, चाहे कोई भी इंजेक्शन लगा लो, ऑपरेशन कराओ फिर एक्सरसाइज नहीं की तो भी काम नहीं करेगा। सो हम आपको है ना तीन बार जब इंजेक्शन लगेंगे तब तीन बार सिखाएंगे, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी ये क्या है 15-20 दिन बाद एक बार कांटेक्ट कीजिए और अपनी ऑनलाइन एक्सरसाइज इंक्रीज करा ले। 2 से 3 बार इंक्रीज कराओगे फिर वो जो मेंटेनेंस मिल जाएगा वो कंटिन्यू रखो लाइफ लॉन्ग, और वीक में एक ही दिन एक्सरसाइज करनी है बाद में तो बहुत ही अच्छा पेन रिडक्शन मिल जाएगा। तो एक नेचुरल ट्रीटमेंट है, आपका हमेशा हर डॉक्टर एक्सरे कराएगा, हमारे नहीं कराएगा, आपकी एज के अंदर हमारे का इतना रिलेवेंस नहीं। एक बार कार्टिलेज घिसने लग जाए तो उसके बाद मैनेज करो, और लिगामेंट का क्या स्टेटस है इतना फर्क नहीं पड़ता। हमें तो रिप्लेसमेंट नहीं कराना और दर्द कम करना है तो ये बेस्ट तरीका। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल फिजिकल एग्जामिनेशन करूँगा, आपके फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।